अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल चिकन। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये प्याज हमारी लाल हो गई है, ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब ये मैं डाली उसमें मसाले, ये है नमक 1 टेबल स्पून, जो है मैंने मिक्सी में डाल पेस्ट लिए, 1/2 टी स्पून हल्दी और ये धनिया पाउडर। ये इसमें डालने के लिए ये है बड़ा टमाटर, ये टमाटर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ये बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। बाकी के मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे और आप इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर और प्याज। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मसाला भून लिया है। ये 1/2 किलो चिकन है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये मैंने मसाला भून रही हूँ चिकन डाल के। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। ये देखें, क्या आपके पास अगर क्यूब है तो आप क्यूब भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें देखें, हमारा मसाला भुन गया अच्छी तरीके से, चिकन का ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम ये ऑयल जो जितना भी है ना, ये सारा ऑयल जो है वो इसके अंदर निकाल लेंगे, एक बर्तन के अंदर सेपरेट कर देंगे सारा ऑयल जितना भी इसके ऊपर आ गया है। देखिए, जब चने की दाल इसमें डलेगी तो चने की दाल सारा ऑयल पी जाएगी और ऑयल नहीं नज़र आएगा उसमें से। ये हम तैयार होने के बाद डालेंगे। देखिए, हमारा चिकन भुन गई है और यहाँ पर मैंने ये दाल बॉईल कर ली है। अब मैं दाल निकाल के सारी पानी से और चिकन में डाल दूँगी। सारी दाल इसमें डाल के भून ली, दाल डाल के मिक्स कर ली। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। सब कुछ डाल के भून लिया है। अब जो हमने पानी इस दाल का बॉईल किया था ना, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि सारे मसाले हमारे एक साथ मिल जाए, मिक्स हो जाए। दाल चिकन तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने 4-5 हरी मिर्चें भी डाली थी। ये जो ऑयल मैंने निकाला था चिकन को भून के, वो ऑयल हम अब इसमें से डाल रही हूँ। ये देखें, अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया इसमें। ये देखें, लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। ये देखें, ये है चने की दाल चिकन का फाइनल लुक। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा।